वीकनेस में है, सराकों का मतलब कॉल आएगा तो यहाँ से वो देश के लिए दुआएं जरूर करें कि देश की जो हालात जो चल रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक नई ब्लॉग में, टेक्निकल स्किल ब्लॉग पे। मेरा नाम मोहम्मद मिराज है। आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे ब्लॉग आते रहता है। तो आज एक खास वजह यह है कि लगभग 30 दिनों बाद मैं इस टाइम पे बाहर निकल रहा हूँ। मैं इस टाइम पे बाहर नहीं निकलता था और फीलिंग ही कुछ अलग है। और इस टाइम, इस मौसम में, इस टाइम पे सुबह सुबह 7 बजे जो है बाहर निकलने का अलग ही मज़ा है। सूरज निकलता रहता है, मौसम बहुत ही खूबसूरत रहता है। मैं तो ऐसे 9 बजे बाहर निकलता था हर दिन, रमज़ान के वजह से, क्योंकि आज आखिरी रमज़ान है और आज हम लोगों का रमज़ान जो है आखिरी जो है ड्यूटी भी है। और लगभग रमज़ान में ड्यूटी जो है 6 घंटे की रहती है, तो हम लोग 9 बजे ड्यूटी जाते थे। लेकिन अब जो है रमज़ान का छुट्टी चालू हो गया ईद का, तो आज से ड्यूटी हम लोगों का 8 घंटे का हो गया है। तो दोस्तों, सुबह 7 बजे, मैं पहले 9 बजे जाता था, अभी 7 बजे जाता हूँ। तो थोड़ा सा फ़र्क तो है, लगता है जैसे कि आदमी जेल से बाहर निकल रहा है। एकदम एक महीना, ठीक 30वां दिन जो मैं इस टाइम पे बाहर खड़ा हूँ। और बाहर का मौसम आप लोग देख लीजिए, कितना खूबसूरत मौसम है। देखिए, बादल घिरे हुआ है, इधर से धूप सूरज निकल रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा धूप छाव, और बहुत खूबसूरत मौसम रहता है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं ड्यूटी। जो भी दोस्त नए हैं मेरे ब्लॉग को देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। ओके, फिर चलिए हमारे साथ चलते हैं ड्यूटी, फिर मिलते हैं आपको वहाँ ड्यूटी पे, साथ में चलिए मेरे दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता ही है, मेरा डेली का रूट यही है, मैं डेली यहीं आता जाता रहता हूँ इसी रास्ते से मैं। और चलिए मेरे साथ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, क्या कर सकता है। सलाम हो, क्या है? बस ड्यूटी पर मैं आ गया हूँ दोस्तों, यही डेली का रूटीन है हमारा। और आप लोग हॉस्पिटल देख सकते हैं, हॉस्पिटल में इसे ही सनाटा रहता है, ईद की छुट्टी चल रही है। ठीक है दोस्तों, एक ये छोटा सा ब्लॉग बना करके बस आप लोगों को दिखाना चाहता था, कुछ और क्लिप जो बनाया जाएगा, कैसा लग रहा है यहाँ पे खूबसूरती। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है ये, यही मेरा है बैठने का जगह, मैं यहीं पे बैठता हूँ, यहीं पे मेरा काम है, मैं यही सब देखता रहता हूँ। ये इधर स्टोर है और हम लोग दिन भर यही बैठे रहते हैं। हम लोग मेंटेनेंस में है सराको कंपनी में, और जब भी कोई कॉल आता है, किसी तरह का कॉल, कहीं भी फॉल्ट का कॉल आएगा, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं। ये हम लोगों का ड्यूटी है, मेंटेनेंस में यही काम होता है दोस्तों। बहुत से दोस्त जो है हमारे चैनल पे इस तरह के लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि मेंटेनेंस में काम क्या रहता है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस में यही सब काम रहता है। यहाँ पे देखिए टेलीफोन लगा हुआ है, और बस इस टेलीफोन पर फ़ोन आएगा जिस चीज़ की ज़रूरत हो, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिशियन का, और प्लम्बर का, एसी का, जो काम का, कारपेंटर हो, जो काम का मतलब कॉल आएगा, तो यहाँ से वो आदमी अंदर हॉस्पिटल के अंदर जाएगा और वो काम करके आएगा। ये मेंटेनेंस का ड्यूटी होता है। और भी अलग से काम कुछ ना कुछ चलते रहता है। ऐसे हम लोग का हॉस्पिटल में तो 12 महीना काम रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है दोस्तों। सिविल वर्क है, पेंटिंग है, बहुत से काम है चलते रहते हैं मेंटेनेंस में। और ये अभी ईद की छुट्टी चालू हो गया है आज से, आज रमज़ान का आखिरी दिन है, रमज़ान का आखिरी दिन है, ये पाक मुबारक महीना भी जा रहा है। तो जो भी दोस्त है अगर रमज़ान में आखिरी में, तो दुआएं अपने मगफिरत के लिए, दोस्तों के लिए, गाँव वालों के लिए, अपने देश के लिए दुआएँ ज़रूर करें कि देश की जो हालात जो चल रहा है, उस हालात पर अल्लाह ताला जो है आसानी फरमाए हम लोगों को, क्योंकि देश की हालात जो है बहुत ही बुरा चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो ये रमज़ान का आखिरी वक्त है, तो इसमें दुआ ज़रूर करना चाहिए सारे देश के अवाम को कि अल्लाह ताला सुन ले। कि सारा आप समझ ही गए होंगे, तो ज़रूर कोशिश कीजिए आप लोग दोस्तों, दुआ कीजिए। जो भाई सऊदी में है, जो भाई मक्के में है,
जो भाई मदीना में है, आखिरी वक्त है, आप ज़रूर दुआ कीजिए मक्का और मदीना से कि अल्लाह ताला जो है हम लोग देश को तरक्की दे, उन्नति दे, शैतानों से निजात दे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देश के हालात अभी क्या चल रहा है। तो इस तरह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह दुआ कब किसकी सुन ले। और रमज़ान का आखिरी टाइम और आखिरी दिन इंशाअल्लाह ताला दुआओं की दुआएं कबूल होगी। तो बस एक ब्लॉग बना रहा था, मेरा दिल किया आप लोगों से इस तरह से ब्लॉग बना करके भी बात किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारा अगर ब्लॉग अच्छा लगता हो तो ज़रूर अपने प्यार देगा। आप लोगों की वजह से दुनिया में बहुत लोग कहाँ से कहाँ चला गया है। तो फिर अगर मुझ पर भी आप लोगों का अगर प्यार थोड़ा सा अगर नज़र करम कर देंगे तो मैं भी हो सकता है यहाँ से कल होके इंडिया चला जाऊँ, इंडिया में ही कुछ करूँ, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी ऐसे ही होती है दोस्तों। देखिए, सारा दुनिया सो रहा है और हम लोगों को ड्यूटी करना पड़ रहा है, ड्यूटी करना पड़ेगा, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यही काम है हम लोगों का और यही यहाँ का कानून भी है कि भाई आप काम करने आए हैं तो काम तो करने ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आज रमज़ान का आखिरी दिन और आज से जो है छुट्टी चालू हो गई और हम लोग समझ लीजिए कि ओवर टाइम कर रहे हैं। वैसे तो ड्यूटी 6 घंटे का रहता है लेकिन आज से 8 घंटे का ड्यूटी चालू हो गया है और आज से नॉर्मल डे समझ लीजिए कि हम लोगों की लाइफ का। कल इंशाअल्लाह ताला ईद है, इंशाअल्लाह ताला कल ईद है यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में ईद जो है होगा जुमेरात को। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप मेरे ब्लॉग को देख चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ब्लॉग जो है यहीं पे एंड होता है, फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।